गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कर आई हूँ एक स्पेशल सी वीडियो। आज मैं मेकअप करने वाली हूँ अपनी दादी का, जिनको मैं प्यार से अम्मा बुलाती हूँ। मैंने उनका मेकअप अपनी लाइफ में पहली बार किया है और मुझे नहीं पता था कि कैसे टर्न आउट होगा, कैसा लगेगा उन पर और मैं क्या मेकअप करूँगी उन पर। आई वॉज जस्ट टेकन माई पैलेट और मैं शुरू हो गई कि चलिए ठीक है अम्मा, आपका मेकअप करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि मैंने दादी का मेकअप कैसे किया और क्या लुक किया उन पर। यहाँ पे मैं दादी को हेलो करा रही हूँ, उनसे कहा दादी प्लीज़ स्माइल करके हेलो करिए। तो मैं सबसे पहले अपनी दादी की स्किन को करूँगी प्रेप। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं पर मुझे लगता है कि एलोवेरा सबकी स्किन को सूट करता है, तो मैं हमेशा उसी से शुरुआत करती हूँ। तो अब मैं करूँगी उनके लिप्स को मॉइस्चराइज। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैसलीन लिप बाम जेली। और पहले यूज़ करेंगे हम प्राइमर। यहाँ पे मैंने यूज़ किया एनवे मेकअप प्राइमर। दादी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने भी ऐसा मेकअप आज दिन तक कभी नहीं कराया है, तो वो भी सोच रही थी कि मतलब पता नहीं क्या होने वाला उनके फेस पर। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनफॉलिबल। ये है लोरियल का इनफॉलिबल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आपको देता है मीडियम टू फुल कवरेज। इस फाउंडेशन के मैंने 2 से 3 पंप यूज़ किए हैं। तो ये फाउंडेशन लेकर मैं अपनी दादी के फेस पे डॉट 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 करके पूरे फेस को कवर करूँगी और इसके बाद एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उनके फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं। जब हम किसी और का मेकअप करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे फाउंडेशन हमारे जो भी बेस है उनकी स्किन से मैच करता हो। तो लकली मेरे जो फाउंडेशन थे वो दादी के स्किन टोन को मैच कर गए। थोड़े से लाइट थे बट वो मैंने थोड़ा सा मिक्सअप मैचअप करके कवर कर लिया। तो यहाँ पे मैं अब करूँगी उनके चेहरे को कंसील। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कंसीलर और मैंने उनके अंडर आई के नीचे थोड़ा सा बेज ऑफ द नोज थोड़ा हाईलाइट करने के लिए चिन पर और फोरहेड पर यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया है ये लूज़ पाउडर और इसकी हेल्प से मैंने उनके फेस को अच्छे से सेट कर दिया है ताकि हमारा पूरा बेस अच्छे से सेट हो जाए, हमारा फाउंडेशन और कंसीलर। स्टिल दादी बहुत एक्साइटेड है, उनको बहुत हंसी आ रही थी मेकअप कराते हुए। तो अब आ रही है ब्राउज़ की। ब्राउज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर इन द शेड ब्राउन। और पहले मैंने उनकी ब्राउज़ को कॉम किया अच्छे से और देन उसके बाद प्रोडक्ट फिल करना शुरू कर दिया। पता नहीं दादी ने कब से ब्राउज़ नहीं कराई हुई थी तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी उनकी ब्राउज़ को शेप देने में, बट मैंने उनकी ब्राउज़ को बहुत लाइटली और बहुत कैजुअली फिल किया था ताकि वो एकदम से ओवर भी ना लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत लाइट कैजुअल से फिल किया उनकी ब्राउज़ को। तो अब बारी है आईज़ की। आई मेकअप मैंने सोचा था कि उनकी साड़ी से मैच करते ही कुछ कर, उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें थोड़ा सा गोल्डन वर्क हो रखा था, तो मैंने सोचा कि उनकी आईज़ पे हम थोड़ा सा गोल्डन वर्क करते हैं आज। आई डोंट थिंक कि दादी ने इससे पहले कभी भी गोल्डन आई शेडो वेयर किया होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है हिलारी डोडा के आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वाइट आई शेडो और इसको लेकर के मैंने उनकी आईज़ को अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम काम करेंगे उनकी क्रीज़ पे। तो मैंने यहाँ पे पिक किया था ये डार्क ब्राउन शेड। ये वाला शेड उनकी क्रीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इस कलर को पिक करके मैंने उनकी क्रीज़ पे काम करना शुरू किया। मेरी दादी की हुडेड आइज़ थी तो ज़रूरी था कि मैं क्रीज़ को अच्छे से पहले बिल कर लूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि हुडेड आइज़ आमंड आइज़ क्या होती हैं या फिर इन पर्टिकुलर आइज़ पे मेकअप कैसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बेस तैयार कर रही हूँ कि आईलेट्स पे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक येलो कलर का शेड जिससे कि जब मैं गोल्डन पिगमेंट लगाऊँ तो एक अच्छा खासा मुझे बेस मिले। तो उनका बेस येलो बेस तैयार हो गया अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मियोन की ये प्रो पैलेट। इस पैलेट में से ये गोल्डन शेड देखिए कितना पिगमेंटेड है ये। इस शेड को लेके मैंने उनके आईलेट्स को अच्छे से कवर किया है। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसकी हेल्प से उनके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अब काम करूँगी उनके लोअर लैश लाइन पर। मैंने यहाँ पे सेम डार्क ब्राउन आई शेडो यूज़ किया है और अच्छे से उनको थोड़ी सी डेप्थ दे दूँगी मैं उनकी लोअर लैश लाइन पर। मैंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक रखा है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है ये। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आई लाइनर मैंने यूज़ किया कलर बार का लाइनर और इसको लेकर के मैं एक सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी।
देखने में आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा बोल्ड लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं आईज ड्रॉप करती हूँ अपनी दादी की तो वो आईलाइनर छोटा हो जाता है। ये ऐसा होता है जब आपकी आईज हुडेड हो, और अभी इस एज में आकर आपके आईज थोड़ी ड्रॉपी हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है आपके आईलिड्स में। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबेलिन का मस्कारा। आई डोंट थिंक कि दादी ने इससे पहले कभी मस्कारा आईलाइनर वेयर किया होगा। तो यहाँ पे मैंने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से मस्कारा लगा दिया है। अब बात ये काजल की, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NY Baker द बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल। तो अब बात ये कॉन्टोरिंग की, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शिवाना की अल्ट्रा ब्लश पैलेट। बहुत सॉफ्ट कॉन्टोरिंग, सॉफ्ट ब्रॉन्जिंग की है मैंने यहाँ पर। उनकी नोज को ब्रॉन्ज करूंगी मैं थोड़ा सा। देखिए उनकी नोज को एक अच्छी सी शेप मिल गई है। तो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये 5 colors का ब्लश पैलेट। इसमें से मैंने ये सॉफ्ट पिंक कलर चूज किया था, बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा ही लाइट है ये, बहुत शीयर कवरेज देता है ये वाला। तो अब मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे शिवाना का ही ये हाईलाइटर पैलेट है, और इसके लेके मैं उनके अच्छे से मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हाईलाइटर लगाऊंगी। ये वाला पैलेट मुझे टूट गया था, फिर मैंने इसको मतलब थोड़ा DIY करके इसको जोड़ा है। पहले ये डिफरेंट टाइप के, इसमें 5 shades थे, पर ये टूटने के बाद सब मैच हो गया। बहुत ही सुंदर ये कलर मिल गया है मुझे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट टूट गया है उसको कैसे ठीक करें, तो प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अब मैं वो दादी के लिप को कर रही हूँ लाइन। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी ये डार्क, यहाँ पे न्यूट कलर का मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है, उसको लेके मैं अच्छे से उनके लिप्स को लाइन करूँगी और उसके बाद यूज़ करूँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन की लिपस्टिक है ये, इसका शेड मैं मेंशन कर दूँगी। इस लिपस्टिक की सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये आपको देती तो मैट फिनिश है, लेकिन आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है। अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये मेबेलिन के ये वाली सीरीज़ को ज़रूर चेक करिएगा। अब बारी है यहाँ पे ज्वेलरी की, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हार पहनाया है दादी को, और ये इयररिंग्स थे। दादी ये वाला लुक पार्टी में इजीली कैरी करके जा सकती है। चलिए देखते हैं दादी कभी मेकअप लुक करके जाएंगी। सो देखिए दादी कितना खुश हो रही है। तो दादी यहाँ पे पोज दे रहे हैं, इस पोज के लिए इन्होंने 100 takes दिए थे। वो कितना कंफ्यूज हो रही थी। इसका ब्लूपर भी मैंने मेंशन किया है इसी वीडियो में, अब चेक करिएगा, लास्ट में दिया है। तो दादी यहाँ पे पोज दे रही है। तो ये दादी का एक ये ओरिजिनल लुक है, दादी इसी तरह से अपने बाल को कॉम करके रखती है। हाँ बोल रहे बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे दादी के साथ ये एक कोलैब पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ और सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।